नमस्कार, आप देख रहे हैं हरियाणा न्यूज एक्सप्रेस। मैं हूं आपके साथ काजल। आइए रुक करते इस वक्त की बड़ी खबर की ओर। भाजपा सरकार ने सत्ता में आने के बाद भले ही गायों को लेकर सख्त कानून बनाए हो, लेकिन बावजूद इसके गौ तस्करों में इसका कतई भय देखने को नहीं मिल रहा है। जी हां, ताजा मामला दिल्ली से फरीदाबाद का है, जहां पर आज तड़के पीछा कर रहे गौरक्षक दल पर गौ तस्करों ने फायरिंग कर दी और मौका देख अपने वाहन समेत गायों को छोड़कर फरार हो गए। सूचना मिलने के बाद मौके पर पहुंची क्राइम ब्रांच और पुलिस अब जांच के बाद जल्द ही आरोपियों को गिरफ्तार करने की बात कह रही है। तस्वीरों में दिखाई दे रहा है गायों से भरा वही वाहन है जिसे लेकर बदमाश मेवात फरीदाबाद से बल्लभगढ़ की तरफ गायों को उठाने के लिए आए थे और रात का फायदा उठाते हुए गौ तस्करों ने लगभग 5 गायों को कैंटर में भर लिया था, जिसकी सूचना गौ रक्षक दल के प्रमुख अशोक बाबा को उनके सूत्रों से मिली। सूचना मिलने के बाद अशोक बाबा अपनी टीम के साथ तस्करों के पीछे लग गए और इस वाहन को आता देख उन्होंने रुकने का इशारा किया, लेकिन गौ तस्कर नहीं रुके, जिसके बाद अशोक बाबा की टीम ने गौ तस्करों का पीछा करना शुरू कर दिया। इस दौरान गौ तस्करों ने अशोक बाबा की टीम पर कई राउंड फायर किए। गनीमत यह रही कि गोली किसी को नहीं लगी, अन्यथा जान भी जा सकती थी। अपने पीछे लगी गौ रक्षक दल की टीम को देख गौ तस्करों ने फरीदाबाद की राजीव कॉलोनी में गायों से भरे अपने कैंटर को छोड़ दिया और मौके से भागने में कामयाब हो गए। फरीदाबाद से हमारे संवाददाता विकास औल्यान की रिपोर्ट। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम अशोक बाबा है। अशोक जी, गाय सारी चीज पकड़ी है राजीव कॉलोनी के अंदर, क्या था ये पूरा मामला? दरअसल हमारे पास कुछ अपने मुखबर खास से सूचना मिली थी, कुछ गौ तस्कर गायों को गौ तस्करी के उद्देश्य से लेकर जा रहे हैं। हमने इन्हें रोकने का प्रयत्न किया, काफी पीछे से गायों को उठाते हुए ला रहे थे। पुलिस प्रशासन पर हमारी बीटी चल रही थी और हमने एंड में इन्हें यहाँ पर आकर काबू किया। फायरिंग वगैरह हुई है? कितनी फायरिंग? इन्होंने हमारे ऊपर 4 से 5 राउंड गोलियां चलाई हैं, जिसमें हमारे किसी लड़के को कोई नुकसान नहीं हुआ है, सब लड़के सेफ हैं। और गायों को क्रूरता से बांध रखा था, जिसमें से एक गाय की मृत्यु हो गई है और 4 को सकुशल बचा लिया गया। कितने पशु हैं इसमें? 5 गोवंश हैं, जिसमें 4 तो यही हैं और एक गोवंश इन्होंने फेंक दिया था हमारे ऊपर और वो उसकी मृत्यु हो गई है। पुलिस की अगर बात की जाए तो कितना सहयोग पुलिस का रहा है इसमें? पुलिस के द्वारा ही, प्रशासन के सहयोग के द्वारा ही हम इनको पकड़ पाए हैं और CIA 56 का जो CS स्टाफ है जिसके पास, उसका विशेष सहयोग रहा। और अब 58 सेक्टर से SHO साहब भी खुद आ रहे हैं, स्वयं अपने संज्ञान में लिया है मामला, वो आ गए हैं। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम मोनू मानेसर है, जिला संयोजक बजरंग दल मानेसर से हूँ। मोनू जी, आज राजीव कॉलोनी में गाय से भरा हुआ गाड़ी पकड़ी है, क्या था सर पूरा मामला? ये मामला ये था, रात को हमें सूचना मिली, हमने अपने अशोक बाबा को यहाँ की टीम से सूचना दे दी थी, अपने गोरक्षा प्रमुख बजरंग दल से हैं उनको सूचना दे दी थी। तो उनको सूचना देने के बाद इस गाड़ी के पीछे लगे हुए इन्होंने फायरिंग भी की है टीम के ऊपर और इन्होंने चलती गाड़ी से गाय भी फेंकी है। जो गाय चोटिल है उनको हमने गौशाला पहुंचा दिया और SHO साहब मौके पे आ गए हैं, जिनकी कार्रवाई वो कर रहे हैं। कितने गोवंश थे जो लेके जा रहे थे? ये गोवंश 6 से 7 थे, 4 तो हमें मिल गए, एक गोवंश आगे मृत पड़ा हुआ है, उनको भी डॉक्टर की देखरेख में पोस्टमार्टम किया जाएगा और उनका इलाज कराया जाएगा। कहाँ की गाड़ी है, क्या कुछ पता चल पाया इसमें फायर? ये मेवात की ही गाड़ी है और मेवात के ही गो तस्कर थे, ये कंफर्म हो गया है, मेवात गो तस्कर है और इनके नाम भी हम जानते हैं, जल्दी पुलिस के सामने इनके नाम दे दिए जाएंगे और जिनसे इनके खिलाफ FIR दर्ज करा दी। सर फायरिंग वगैरह हुई है गौरक्षक? हाँ जी, गौरक्षा दल पे गोलियां चलाई है, जिनकी 2 गाड़ियां भी तोड़ी गई है, जिन पे 6 से 7 राउंड फायर किए गए। सर गाय रेस्क्यू की है सर, क्या था पूरा मामला? ये अभी सूचना दी थी अपने गौरक्षा दल ने, जो बाबा है उन्होंने, अशोक बाबा ने, तो उसके ऊपर हम आए हैं यहाँ। इस गाड़ी में 3 गाय हैं, एक आगे वो फैक्ट्री बता रहे हैं, तो गाड़ी और ये गायें रिकवर कर ली, इनको गौशाला छुड़वा रहे हैं, बाकी उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज कर रहे हैं। सर लगातार सर्दी बढ़ती है, ऐसी वारदात चालू होती है, रोकने के पूरे प्रयास किए जाएंगे, आगे से नाकाबंदी बढ़ाई जाएगी, इन समय चेक किया जाएगा। सर कुछ फायरिंग वगैरह हुई है, क्या कुछ पता चल पाया? अब जो भी हुआ उसके अकॉर्डिंगली कार्रवाई की जाएगी। हमारे फेसबुक पेज को लाइक फॉलो और शेयर करें, साथ ही यूट्यूब चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ताज़ा खबरों के लिए बेल आइकॉन को दबाना न भूलें।